अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूं कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हम सब पे हमेशा बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है जड़ावाला से। उन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है जिनका नाम है किंजा। किंजा कहती हैं कि आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो नानो हैं वो भावलपुर में रहती हैं और उधर का ये एक सच्चा खौफनाक वाकया है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पुराने दौरों की बात है। मेरी नानो कहती हैं कि भावलपुर में जब हम लोग उधर रहते थे, यानी कि नानो लोग, उधर एक लड़की थी जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। वो लड़की रोज़ जिसको हम तंदूर बोलते हैं वहाँ पर रोटियाँ लगवाने के लिए जाया करती थी। वो जिस रास्ते से गुजर के जाती थी वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। उस रास्ते में वो अक्सर जाया करती थी, उसको कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक उस रास्ते में बहुत ज़्यादा वो जिसको कहती हैं कि झाड़ियाँ होती हैं, इस किस्म के वो रास्ता था सारा। एक दिन वो दोपहर के टाइम वापस आ रही थी तो क्या देखती है कि एक बहुत खूबसूरत लड़का उन झाड़ियों के पास खड़ा हुआ है। और वो लड़का उसको देखकर ये कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ, आती तो तुम बहुत अरसे से हो, लेकिन मेरी नज़र तुम पर अब पड़ी है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई और उसने ये समझा कि कहीं ये मुझे अगवा वगैरह किडनेप ना कर ले। वो अपने घर चली गई। खैर ये उसका मामूल बन गया। वो लड़का रोज़ उसके रास्ते में खड़ा होता था और रोज़ उसको एक ही बात कहता था कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। तो वो लड़की रोज़ उसको जब वो ये लफ्ज़ सुनती थी तो वो उसको एक दिन उसने ये कहा कि अगर तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन आज के बाद ऐसे मेरा रास्ता मत रोकना। जिस पे उस लड़के ने कहा कि क्या वाकई तुम मुझसे शादी कर लोगी, उसने कहा हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसने कहा कि एक दफ़ा तुम सोच लो और सोच के मुझे कल जवाब देना कि तुम वाकई मुझसे शादी करोगी। खैर वो लड़की अपने घर चली गई और उसने सारी रात सोचा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे नानो बताती हैं। तो उन्होंने उस लड़की ने सुबह उठकर यही कहा कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब लोग इकट्ठे एक जैसे घर होते थे और लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, हद से ज़्यादा। उधर कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि किसी की बात करनी है या बैक बाइटिंग, कुछ भी ऐसा नहीं था। सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। खैर वो लड़का वो जो लड़की थी उसके साथ उसके घर गया। उसके वालदैन जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास इतना भी नहीं था कि वो अपनी बेटी को कुछ चाहिए इसके लिए भी दे सके। तो उन्होंने कहा कि जिधर हम रहते हैं तुम भी हमारे साथ ही इधर रह लो और हमारी बेटी से तुम शादी कर लो, क्योंकि उनकी वो एक अकलौती बेटी थी। उस लड़के ने कहा कि मुझे कबूल है, मैं जो भी नौकरी करूँगा कमा कर लाऊँगा, आप भी मेरे वालदैन हैं, आप लोग खाते रहना और मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। वक्त गुजरता गया। गुजरते गुजरते एक दिन वो लड़की क्या देखती है कि वो जो लड़का है उसके जो पाँव है वो हवा से बहुत ऊंचे हैं अंदर कमरे में। जैसे उसने उस लड़की ने उसको देखा तो उसकी एकदम चीख निकली और वो नीचे गिर के बेहोश हो गई। जब उसको होश आई तो वो लड़का उसके पास था। उसने उस लड़के से पूछा कि मुझे सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा जो मैंने ये देखा है कि तुम्हारे पाँव जो थे वो आधे हवा में थे, तुम हवा में मुअल्लक थे, तुम क्या चीज़ हो, मुझे सच बताओ, मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊँगी। जिस पे उस लड़के ने कहा कि मैं एक जिन हूँ।
और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं तुम्हें रोज़ देखता था। मैं ये जानता था कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब लड़की हो और तुमसे किसने शादी करनी है, इसलिए मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। और जब तुमने मुझे खुद ही शादी का कह दिया और तुम्हारे घर वाले भी मान गए तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिन का और इंसान का कोई मतलब कि मेल जोल नहीं है। उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को भी सच बता दूंगा कि मैं एक जिन हूँ। उस लड़के ने उस लड़की के घर वालों को भी सच बता दिया। वो लोग पहले तो बहुत ज़्यादा डरे, जिस पे उसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं आने दूंगा, आप लोगों को सिर्फ खुशी दूंगा, आप लोगों को मेरी तरफ से कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ये बात खुलते खुलते सारे मोहल्ले में मशहूर हो गई कि एक लड़की है जिसकी शादी एक जिन से हुई है। पहले मोहल्ले वाले बहुत डरते थे और कहते थे कि इनको धक्के मार कर इस मोहल्ले से निकाल दो, ये जिन हम लोगों की बच्चियों को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो जिन इतना अच्छा था कि वो सबसे बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि कुछ चीज़ें नेक भी होती हैं, नेक जिन्नात भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी शरारती जिन्नात हों। वक़्त गुजरता गया, उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई और वो जो बेटी थी वो बिल्कुल देखने में अपनी माँ जैसी थी। वो ऐसे थी कि मतलब लोग उसको देख सकते थे, लेकिन उसकी कुछ सिम्टम्स जो उसकी कुछ थी आदत थी वो जिन्नात वाली थी, यानी कि उसके अंदर ये चीज़ थी कि वो गायब हो सकती थी और वो गायब भी हो जाती थी। उसको जिन्नात बकायदा नज़र आते थे, सब लोग उस लड़की को देखने के लिए आए। वो एक बहुत मतलब प्यारी थी जो भी था, लेकिन उसके अंदर कुछ खसूसियात जन्नात वाली थी। वो इस तरह कि जब वो पैदा हुई तो उसका साइज़ बाकी बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था, और वो बच्ची कुछ ही सालों में यानी कि 5-6 सालों में एक अडल्ट लड़की की तरह हो गई। वो बहुत जल्दी जवान हो गई। सब लोग बड़े हैरान होते थे, दूर दूर से लोग उसको आकर देखते थे। किंसा कहती हैं कि मेरी नानू बताती हैं कि उस लड़की की जो धूम थी वो हर तरफ पड़ गई कि ये एक जिन की बच्ची है। वक्त गुजरता गया, उस लड़की के वालदैन की डेथ हो गई, वो जो और लड़की थी जिसकी ये बेटी थी उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन वो जो जिन था यानी कि जन्नात की जो उम्रें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, मौत तो सबको आती है। वो जो जिन था उसने अपनी बेटी से कहा कि अब देखो तुम्हारे घर वाले भी फोत हो गए हैं, वालदा भी तुम्हारी फोत हो गई है, तो बेटा मेरा ये दिल है कि मैं तुम्हें अपने साथ परिस्तान में ले जाऊं। वो जो जिन था वो बहुत अच्छा और नेक जिन था। सब मोहल्ले वाले उसको बकायदा देखते थे। ये पुराने वक्तों की एक बहुत अजीबोगरीब दास्तान है। वो जो फिर लड़की थी उसने ये कहा कि मैं परिस्तान में नहीं जाऊंगी। उस लड़की को बहुत अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें नज़र आती थी, जन्नात के बहुत अजीब अजीब रूप नज़र आते थे। काफ़ी सालों के बाद उस लड़की का जो बाप था यानी कि वो जो जिन था उसकी भी डेथ होगी, वो भी कहीं चला गया और उसके बाद आया ही नहीं। तो उसको ये पता लगा कि वो जो जिन जिसकी डेथ हुई, वो जो जिन है वो जो चला गया वो भी मर चुका है। उस बच्ची की ज़िंदगी फिर बहुत मुसीबतों से गुजरी, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से। किंसा कहती हैं कि जब उसकी वालदा जिंदा थी तो वो जो जिन था वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता था, यानी कि जब वो लड़की कुछ भी कहती थी ऐसा वैसा कि आज महल्ले के लोग जब आकर उससे दुआ मंगवाते थे कि तुम दुआ करो कि आज बारिश हो जाए, तो वो जिन फौरन उसी टाइम बारिश कर देता था। अजीबोगरीब वाकयात, वो उस लड़की से इतनी मोहब्बत करता था। एक दफ़ा सारी गली गुलाब की पत्तियों से भरी हुई थी, तो सब लोग मोहल्ले वाले जब उठे तो बड़े हैरान हुए कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन फिर उनको ये पता लग गया कि वो जो जिन है ये सब कुछ उसी ने किया है, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। उस लड़की को गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था, वो गुलाब के फूल बहुत पसंद करती थी। जब वो कुछ भी कहती थी कि मुझे ऐसा वैसा पसंद है तो वो ऐसी हर चीज़ उसके कदमों में ले आता था। सब लोग दूर दूर से उससे दुआएं करवाने के लिए आते थे और लोगों की दुआएं पूरी हो जाती थी। वो जिन चुटकियों में अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के काम कर देता था। लेकिन फिर जैसे वो दोनों मर गए, वो बच्ची रह गई, तो उस बच्ची के भी हालात कुछ इस तरह जैसे वो अकेली रह गई थी, क्योंकि वो कुछ उसमें सिम्टम्स इंसानों वाली थी और कुछ सिम्टम्स उसमें जन्नात वाली थी। वो बच्ची जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो गायब हो जाती थी, और दूसरी बात ये कि उसको जन्नात बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब कि तंग थी, क्योंकि उसमें जो कि इंसानों वाली चीज़ थी उसकी वजह से वो जिन्नात से बहुत तंग पड़ती थी। वो ये कहती थी कि कुछ ऐसा हो कि ये जिन मेरी जान छोड़ दें, क्योंकि मैं इनको देख कर डर जाती हूँ, उनकी शक्लें बहुत खौफनाक होती हैं।
वो बच्ची उसका जो हाइट थी वो नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ी थी। उसकी हाइट 8 फीट से भी ऊपर थी। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। वो ये हर वक्त कहती थी कि मेरे इर्द गिर्द हमेशा जिन्नात होते हैं, जिन्नात हर वक्त मेरे साथ होते हैं। जब वो उनसे बहुत तंग आ जाती थी तो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती थी, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख कर तंग आ जाती थी। फिर एक दिन वो जिस घर में रहती थी, जो कि उसके नानों का घर था, उधर एक दिन उस बच्ची को मुर्दा हालत में पाया गया। जब उसको मुर्दा हालत में पाया गया, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने ये कोशिश की कि क्योंकि उसका जिस्म, उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं थी। जैसे मोहल्ले वाले अंदर इंटर हुए, उन्होंने देखा कि उस, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो घर से बाहर नहीं निकली थी, जब मोहल्ले वाले अंदर गए उन्होंने देखा कि बच्ची की डेथ हो चुकी है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत से औरतें और मर्द इकट्ठे हुए हुए थे। वो जो मोहल्ले वाले थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और चीखे मारते हुए सब उस घर से बाहर चले गए। जैसे ही वो उस घर से बाहर गए, अल्लाह जाने उस बच्ची के साथ क्या हुआ। मेरी नानों ने बताया उसको वो जन्नत ले गए, जो कुछ भी हुआ ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन उस बच्ची की उसी घर में कुछ अरसे के बाद जब बड़े बुज़ुर्गों ने जाकर देखा, तो उस बच्ची का उसी घर के अंदर एक बहुत बड़ा मकबरा बन गया। काफ़ी अरसा वो जगह एक दरबार के नाम से मशहूर रही, लोग उधर आते थे। और बाकायदा ये मशहूर था कि ये एक जिन जाति का दरबार है। लोग उधर आकर दुआएं और मन्नतें मांगते थे, और अल्लाह के हुक्म से जो भी मन्नत और मुराद मानी जाती थी वो लोगों की कबूल हो जाती थी। काफ़ी अरसा ये सिलसिला जारी रहा। और मेरी नानू, जिनकी किंजा कहती हैं अब डेथ हो चुकी है, वो उस बाकायदा उस जगह को जानती हैं। वो कहती हैं कि बहावलपुर एक बहुत कदीम तारीखी शहर है। इधर ऐसे बहुत से वाक़यात हैं पुराने वक्तों के, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी नानू हमें बहुत ज़्यादा वाक़यात सुनाती थी। अभी भी वो जगह मौजूद है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि वो जगह किस जगह पर है। बहावलपुर में उस जिनजादी का दरबार अभी भी बहावलपुर में है और लोग उधर जाते हैं। ये एक स्टोरी थी किंजा की, जो उन्होंने जड़ा वाला से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया किंजा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है, उनका नेम मेरे कमेंट बॉक्स में है, सॉरी मुझे उनका नेम याद नहीं है। वो कहते हैं कि कल जो मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी, जो कि एक दियो था जिसको एक अल्लाह वाला कैद करके भी उसकी शरारतों से लोग बच नहीं सके, तो वो कैसा अल्लाह वाला था कि जिस अल्लाह वाले की तो नज़र ही पड़ती है, तो वो शख्स जिसके ऊपर जिन हो जिन उससे दूर भाग जाते हैं। इस किस्म का एक छोटा सा वाक्य उन्होंने शेयर किया है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में एक बहुत सैकड़ों साल पहले की बात है, एक बहुत अल्लाह वाले थे जिनका नाम नवाब नूर शाह था। उन्होंने एक दियो को कैद किया था, और उस दियो को कैद करने के बाद, ये वाक़या आज से कई सैकड़ों साल पहले का है, जब उस दियो को कैद कर दिया गया तो वो दियो बहुत अच्छा हो गया और वो लोगों की मदद करने लगा। वो उधर से पहाड़ों से पानी भरता था और लोगों को पानी भर कर देता था। जब शब्बान का महीना आता था तो बाकायदा यूँ महसूस होता था उस पूरे इलाके में कि जैसे किसी को जो कि बहुत ज़्यादा लोहे की जो होती हैं चेन्स होती हैं उनमें जकड़ दिया जाता है, वैसे आवाज़ें आती थी कि जैसे कोई किसी की टांगों को लोहे की चीज़ों के साथ जकड़ा हुआ है और उनके चलने की आवाज़ें आती थी। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो दियो था वो तो अल्लाह वाले के, जो जैसे उन्होंने उसको कैद किया, कैद होने के बाद वो तो लोगों की मदद करने लग गया था। जो भी वो कहते हैं बलूचिस्तान में लोग रहते हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे, और उस दियो का नाम गोलू कुल था। आज भी जो भी बलूचिस्तान के लोग हैं वो इस स्टोरी और इस हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल तौर पे जानते होंगे, और वो मेरी इस बात से मुकम्मल तौर पर एग्री करेंगे। लेकिन ये जो आपने स्टोरी, वो मुझे कहते हैं कि आपने बताई है कि वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने उसको कैद किया, तो वो लोगों को तंग करता था, शरारतें करता था। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये रिप्लाई करना चाहती हूँ कि वो जिन्होंने उस जिन को कैद किया था, ज़रूरी नहीं है कि सब जन्नात, सॉरी जिस देव को कैद किया था, ज़रूरी नहीं है कि सब देव या सब जिन या सब ऐसी चीज़ें ख़तरनाक हों, लोगों को तंग करने वाली हों, ज़रूरी नहीं होता। इन चीज़ों को कैद करना ज़रूरी होता है। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, ये भी हो सकता है कि वो जिन अल्लाह वालों ने उसको कैद किया था वो अच्छा होगा, वो अच्छा ऐसी गैर मरी मखलूक होगी जो कि लोगों की मदद करने लग गई होगी। और जिन्होंने जो स्टोरी मैंने कल आपके साथ हुमैरा की शेयर की थी, हो सकता है कि वो एक शरारती
एक शैतान देव हो जो कि बाद में भी लोगों को तंग करता रहा, उन्होंने भी उसको कैद कर दिया था। तो ऐसे ही ये जो देव चीज़ होती है इसकी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बेशक इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अल्लाह ने इन चीज़ों को भी बहुत ताकत बख्शी हुई है। हर ज़ीरू जो जान रखता है अल्लाह ने उसको मुख्तलिफ ताकतों के साथ बनाया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अल्लाह वाला इतनी ताकत नहीं रखता तो वो फिर भी तंग करता रहे, ऐसे हो सकता है। तो ये एक छोटी सी उन्होंने बात शेयर की थी मेरे साथ, उनका नेम मेरे जहन में नहीं आ रहा। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है सिंड्रीला ने। सिंड्रीला कहती हैं, आज मैं आपके साथ अपनी एक कज़न की फ्रेंड की स्टोरी शेयर करूँगी। वो लोग गाँव में रहते थे और वो जिस गाँव में रहते थे वो गाँव आज तक बहुत कदीम है। बलूचिस्तान वाली साइड पे वो गाँव है और उस गाँव में अभी तक लाइट्स नहीं हैं, लोग लाइट के अलावा ही रहते हैं। तो उधर ये जो मेरी कज़न है इसकी फ्रेंड्स थी वो लोग इधर शहर में आकर पढ़ती थी, लेकिन जब वो वापस उधर गाँव में जाती थी तो वो आकर इधर अपनी स्टोरी भी बताती थी जो गाँव में उनके साथ वाकयात होते हैं। तो वो गाँव में जिस घर में रहते थे वहाँ एक बहुत बड़ा कीकर का दरख्त था और उस दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा असेब था, वो दरख्त बहुत बड़ा था। वो कहते हैं कि सिंड्रीला बताती हैं उनके यहाँ लाइट नहीं होती थी, रात के टाइम बहुत डर लगता था, गर्मियों का मौसम था। तो उनके जो वालिद थे वो अपनी ज़मीनों पर गए हुए थे, यानी कि उस रात उन्होंने ज़मीनों पर पानी वगैरह लगाना था। उस दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा जन्नात का असेब का बसेरा था जो कि दिन दिहाड़े भी नज़र आते थे। वो जो असेब था उनके उस दरख्त कीकर के दरख्त के ऊपर, वो एक बिल्ली के रूप में था। बिल्ली को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए लेकिन बिल्ली का जो सारा जिस्म था उसमें से ऐसे लगता था बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही हो। वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली मखलूक थी, वो बहुत ज़्यादा डराते भी थे। दरख्त के ऊपर अक्सर रात के टाइम सर्दियों में जब बाहर जाते थे तो यूँ महसूस होता था कि जैसे दरख्त के ऊपर कुछ अजीबोगरीब काले साए बैठे हुए हैं। चाँद की रोशनी में ऐसे लगता था बेकायदा इंसान बैठे हुए हैं, लेकिन देखते देखते ही वो चीज़ें उड़ जाती थी, गायब हो जाती थी। लेकिन बकायदा एक बिल्ली के रूप में, बिल्ली से बड़ी एक मखलूक उस दरख्त के अंदर से निकलती थी और जो बहुत ज़्यादा नज़र आती थी और तंग करती थी। उस रात मेरे अब्बू पानी, यानी कि सिंड्रीला की वो जो कज़न है उनकी फ्रेंड्स की, ये उनकी ज़ुबानी में आपको बता रही हूँ, उस रात उनके अब्बू ज़मीनों पर पानी लगाने के लिए गए हुए थे। तो वो तीनों बहनें और उनकी वालदा रात के टाइम उसी सहन में लेटी हुई थी। तो उनकी वालदा सो गई तो वो तीनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। तो अचानक से एक बहन कहती है कि उधर देखो दरख्त की तरफ क्या चीज़ है। जैसे ही उसकी दरख्त की तरफ नज़र पड़ी तो एक बिल्ली नुमा मखलूक, यानी जिसका उन्होंने ज़िक्र किया, उसने दरख्त से नीचे छलांग लगाई है। छलांग लगाते लगाते वो बड़ी तेज़ी से इनकी चारपाई की तरफ चलती आ रही है। तो उन तीनों बहनों ने चीखना शुरू कर दिया। जैसे उनकी वालदा उठीं तो वो क्या देखती हैं कि वो जो मखलूक है वो बहुत ज़ोर से इनकी चारपाई के साथ आकर लगी है और फिर उसका जो कद है वो बहुत बड़ा होने लगा है। तो मेरी वालदा ने जल्दी से हम तीनों बहनों को वो अंदर कमरे में ले गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। सुबह की अजानों तक यही वाक्या बाहर पेश आता रहा। उन्होंने विंडो से देखा तो बाहर यूं लगता था कि जैसे इंसान के रूप में बड़े बड़े काले साए उस दरख्त के करीब घूम रहे हैं। वो जो घर था वो बहुत कदीम दौर का था और मेरे जो अब्बू थे, यानी लड़कियों के जो अब्बू थे, वो उस घर को छोड़ते नहीं थे। सारी रात गुजर गई, जैसे फजर की अजानें हुई तो वो जो काले साए थे वो उस दरख्त के अंदर बकायदा जाकर गायब हो गए और वो जो बिल्ली नुमा मखलूक थी वो सारी रात सहन में चलती रही और हमें डराती रही, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती रही, कभी रोने की कभी हंसने की। बहुत वहशतनाक वो मंज़र था। वो सारी रात बहुत अजाब से गुजरी। जैसे सुबह हुई उनके वाले साहब घर आए, उन्होंने ये सारी बात अपने वालिद को बताई। उन्होंने कहा कि अब हम इस घर में कुछ देर के लिए भी नहीं रुक सकते, लेकिन जितनी देर उधर रुके, हम लोगों ने अपने घर को किसी और जगह पे शिफ्ट करना था गांव वाले घर को, तो वो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते थे। ऐसे लगता था अक्सर औकात दोपहर के टाइम गर्मियों में दरख्त के ऊपर हमने अपनी आंखों से देखा कुछ परिंदे आकर बैठे हैं जो कि ह्यूज में बहुत नॉर्मल परिंदों से बहुत बड़े हैं। उनकी जो शक्लें थी वो इंसानों जैसी थी, उनको देखकर हम बाकायदा डर जाते थे। और मेरी वालदा यही कहती थी कि बेटा इन चीज़ों को देखकर फौरन अंदर आ जाओ, उस जगह पे खड़े नहीं होना। हम लोगों का जो घर था वो बहुत बड़ा था, उस अहाते में वो कीकर का दरख्त लगा हुआ था। उस कीकर के दरख्त के दूसरी साइड पे बहुत बड़ा वाशरूम था जिसमें नहाने का जगह अलग थी और वाशरूम की अलग थी।
लेकिन उस दरख्त को क्रॉस करके हमें उस जगह तक जाना पड़ता था। रात के टाइम जब सर्दियों में गर्मियों में भी वहाँ जाना पड़ता था सहन को क्रॉस करके, तो ऐसे बहुत से वाकयात हम लोगों के साथ पेश आते थे। अजीबोगरीब किस्म के जानवर उस दरख्त के ऊपर आकर बैठते थे। वो हमारा घर बहुत ज़्यादा असेबज़दा और बहुत ज़्यादा कदीम था। वो घर मेरे वालिद साहब के पुरखों के दौर का था, जहाँ पर असेब बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा नज़र आता था। फिर हमने उस घर को जब छोड़ दिया तो उस घर को हमने बंद कर दिया। उस जगह को हमने गिराया भी नहीं, उन कमरों को हमने बिल्कुल नहीं गिराया। वो किकर का दरख्त आज भी सिंड्रिला कहती हैं कि मेरी वो फ्रेंड्स कहती हैं उधर मौजूद हैं। जब कभी हम दोबारा फिर हम लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो गए, लेकिन हम लोग कभी कभार अपने गांव वाले दूसरे घर में जाया करते हैं, तो मेरी फ्रेंड्स ये कहती हैं कि जब भी हम दोबारा अपने गांव में जाएंगी तो उस किकर के दरख्त की जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी और आप अपने लिसनर्स के साथ उनको शेयर करिएगा। ये बिल्कुल एक सच्चा खौफनाक वाकया था, सिंड्रिला कहती हैं, जो कि मेरी कज़न की फ्रेंड ने शेयर किया था। मैं आपके साथ मैंने सोचा शेयर करूं। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं। सिंध वाली साइड पर सिंड्रिला रहती हैं, वो कहती हैं बहुत ज़्यादा जन्नात हैं उधर, बहुत ज़्यादा पहाड़ी सिलसिले हैं, बहुत ज़्यादा जन्नात के होने की वजह से वहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे वाकयात पेश आते हैं। इधर शहरों में लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके हैं, बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, लेकिन उन इलाकों में अभी तक इतनी आबादी नहीं है। उन गांवों में, बलूचिस्तान के गांवों में आप किसी से भी पूछें तो बहुत से ऐसे वाकयात हैं, सिंड्रिला कहती हैं, जो मैं आपके साथ रोज़ शेयर किया करूँगी। तो ये कहानी थी सिंड्रिला की। बहुत शुक्रिया सिंड्रिला, और आप बहुत मेहनत करती हैं मेरे सुनने वालों के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को विज़िट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर नहीं किया, तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक आईडी पे और ईमेल पर भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। आज का अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि ये जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम छोटा सा भी कोई काम करेंगे, ये जो ज़िलहज के 10 दिन हैं, 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, इनमें छोटी से छोटी नेकी का सवाब भी बहुत ओहद के पहाड़ जितना मिलेगा। तो जितना हो सकता है गरीबों की मदद करें, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें, लोगों के लिए अच्छा करें, अल्लाह से इबादत जितनी करेंगे इबादत का सवाब भी दुगना मिलेगा। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए, इस पर ज़रूर अमल करिएगा और अपने वालदैन की खिदमत करें, मोहब्बत करें और उनसे ढेर सारी दुआएं लें, और अल्लाह पाक हम सब के वालदैन की लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती और बरकत वाली अता करें, आमीन। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी अपना और अपने वालदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।